सो हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों BLS ई सर्विस IPO का अलॉटमेंट आपने ऑलरेडी चेक कर लिया होगा इसके रजिस्ट्रार के ऊपर, जो कि के फिनटेक है। तो आपने रजिस्ट्रार के ऊपर अलॉटमेंट चेक किया, उसके बाद में अगर आपको अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं मिला है तो आपको पैसों का रिफंड यहाँ पर मिल गया होगा। अगर पैसों का रिफंड नहीं मिला है तो रिफंड आपको कब तक मिलने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि जिनको यहाँ पर अलॉटमेंट मिल गया है उनके डीमैट में शेयर्स कब आएंगे, लिस्टिंग कब होगी, और यहाँ पर उनको एक लॉट में कितना प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो मैं आपको पूरी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब अलॉटमेंट आया था, आज दिन में आया था अलॉटमेंट, उससे पहले यहाँ पर बैंक की तरफ से मैसेज आना स्टार्ट हो गए थे रिफंड के। मेरे पास भी जो मैंने मल्टीपल अकाउंट से यहाँ पर अप्लाई किया था उनमें से दो अकाउंट के अंदर मेरे यहाँ पर पैसे बैंक अकाउंट में फिर से आ गए हैं, अनब्लॉक हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे दो बैंक अकाउंट के अंदर अभी पैसे यहाँ पर अनब्लॉक नहीं हुए हैं, क्योंकि देखिए जो इसकी रिफंड की डेट है, इनिशिएशन ऑफ रिफंड की डेट है वो है मंडे 5 फरवरी की, और आज की डेट जो है अभी 3 फरवरी हुई है ना। तो सैटरडे संडे होने की वजह से अभी आज और कल में रिफंड आने के चांसेज बहुत कम है। लेकिन फिर भी देखिए, कई लोगों के यहाँ पर रिफंड इनिशिएट किए जा चुके हैं, लेकिन जिनके रिफंड नहीं आए हैं वो 5 तारीख का वेट करिए, 5 फरवरी को उनके शाम को 7 या 8 या 9-10 बजे तक यहाँ पर लेट इवनिंग तक या लेट नाइट तक उनका रिफंड जरूर इनिशिएट कर दिया जाएगा। अगर 5 फरवरी को भी रिफंड नहीं आता है तो 1 से 2 दिन का भी यहाँ पर एक्स्ट्रा डिले हो जाता है, लेकिन आपको रिफंड यहाँ पर जरूर मिलने वाला है इस IPO का, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो। अब जिनको यहाँ पर अलॉटमेंट मिल गया है उनका क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। तो जिनको अलॉटमेंट मिल गया है उनको 5 फरवरी में उनका जो भी डीमैट अकाउंट है उनके अंदर शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और अगर 5 फरवरी को भी नहीं होते हैं तो 6 फरवरी को सुबह मॉर्निंग में 9 AM से पहले उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। और यहाँ पर जो लिस्टिंग की डेट है वो है 6 फरवरी की, तो सॉरी 6 तारीख की, तो 6 फरवरी को 9 बजे 9 से 9:45 पर प्री ओपन मार्केट में लिस्टिंग होगी, और 10 बजे इसकी BSE और NSE के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है। तो आप यहाँ पर प्री ओपन मार्केट में भी बिड लगा सकते हैं, और आफ्टर 10 o'clock उसके बाद भी आप यहाँ पर बिड लगा सकते हैं। अब मैं आपको प्रॉफिट बता देता हूँ कि कितना आपको प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिनको अलॉटमेंट हुआ है यहाँ पर बहुत ही शानदार यहाँ पर प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है इसका, वो इसमें थोड़ा सा फॉल आज देखने को मिला है, जहाँ 175 का ग्रे मार्केट था वो 152 का हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखिए 112% का यहाँ पर प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर एक ही बहुत ही तगड़ा बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है प्रॉफिट जिनको ये IPO मिला है। देखिए यहाँ पर 108 यहाँ पे शेयर है, 152 का ग्रे मार्केट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 16,416 रुपये, लगभग 16 से 17,000 रुपये का आपको इस IPO में प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग इसकी लिस्टिंग होती है। तो बहुत ही डिसेंट लिस्टिंग है। अगर आपको IPO मिल गया है तो आप इस IPO इसका इतना प्रॉफिट लेके आप एग्जिट हो सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। देखिए दोस्तों, आप चॉइस आप होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है, लेकिन यहाँ पर आपको एक डिसेंट प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देने वाला है। इसका लिस्टिंग स्ट्रेटजी वीडियो में आगे बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो मेरा वही आएगा इसकी लिस्टिंग स्ट्रेटजी का। अभी तक आपको मैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम और रिफंड की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मुझे शेयर करनी थी। तो दोस्तों, अगर आपका अभी तक रिफंड नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसकी रिफंड की डेट है 5 फरवरी को लेट इवनिंग तक आपका रिफंड यहाँ पर जरूर इनिशिएट कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक